हेलो फ्रेंड्स, होमलिशियस बाइट्स में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम आ गया है और इस सीजन में सरसों का साग हो और साथ ही मक्के की रोटी हो तो मजा ही आ जाए। ऐसी ही मजेदार रेसिपी आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ सरसों का साग बड़ी आसानी से कैसे बनाए और बिना टूटी हुई मक्के की रोटी किस प्रकार बनाई जाए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी सिरके की प्याज घर पर कैसे बनाई जाए। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हर नए अपडेट के लिए बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। साग बनाने के लिए यहाँ हमने 250 ग्राम बथुआ लिया है और 250 ही ग्राम यहाँ हमने सरसों ली है और आधी किलो पालक लिया है, 250 ग्राम मेथी ली है। इन सबको अच्छे से साफ करके काट लेंगे और धो लेंगे। देखिए, यहाँ मैंने इन चारों सागों को अलग अलग काट कर रख लिया है। ये मेथी, ये बथुआ है और ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है। इनको भी जब हम साग उबालेंगे उबलने में डाल देंगे। ये पालक लिया, पालक की मात्रा ज़्यादा ली है यहाँ मैंने, बाकी सबकी मात्रा कम लिया, आधी आधी। ये सरसों है, अब इनको अच्छे से वॉश करके बॉइल्ड होने के लिए रख देंगे जिससे इसकी सारी मिट्टी हट जाए और साग में किरकिरापन ना आए। इसीलिए साग को धोना बहुत जरूरी है। साग को हमें 2 से 3 पानी में अच्छे से धोना है। साग को मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी में वॉश कर लिया है, इसकी सारी मिट्टी और किरकर हटा दी है। अब इसको एक कुकर में कर दिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। नमक अभी हम केवल आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें। इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। साग में 3 से 4 सीटी आ गई थी, हमने गैस को ऑफ कर दिया, इसकी विसिल भी निकल गई है। अब इसको हम खोलकर देख लेते हैं कि साग हमारा गला है या नहीं। देखिए, साग हमारा गल गया है। अब इसमें हम ब्लाइंडर चलाएंगे ताकि साग हमारा स्मूथ हो जाए। यहाँ मैं ब्लाइंडर की सहायता से इस साग को मोटा मोटा पीस लूंगी। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का हल्का ही हमें इसमें ब्लाइंडर चलाना है। यदि हम ज़्यादा पीस लेंगे तो वो साग का टेस्ट कम अच्छा आएगा। अब साग में आलन लगाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 3 से 4 चम्मच दही। दही हमें थोड़ी पतली पतली भी लेनी है इसमें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फैटी सी कर लेंगे दही को। पानी मिला देंगे। दो से तीन चम्मच मक्का का आटा। साग में मक्का के आटे का आलन लगाया जाता है, इससे साग का टेस्ट डबल हो जाता है। आलन में हम ऐड करेंगे थोड़े थोड़े मसाले। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमने थोड़ा सा साग में भी डाला था। अब इन सबको हाथ की सहायता से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई गांठ या लम्स ना रहे। इसको इस प्रकार अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैं साग बिना प्याज लहसुन और टमाटर के बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बनाने में तो बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा और पतला कर लेंगे। गैस को ऑन कर दिए। अब हम इसमें साग में जो ये हमने आलन लगाया है बनाया, इसमें ऐड कर देंगे।
अब इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे गैस पर, क्योंकि साग अभी हमारा पतला है, साग गाढ़ा ही अच्छा लगता है। इसको लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल आटा लिया है मक्का का, इसको अब हम छान लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी, एक चौथाई चम्मच हींग। हींग हम इसलिए डालेंगे जिससे कि मक्का की रोटी नुकसान ना दे, और एक छोटी चम्मच नमक। अब इसको आवश्यकता अनुसार पानी की सहायता से गूथ लेंगे। इसका आटा खिला खिला ही बनता है, ना टाइट होता और ना ही सॉफ्ट होता। इसको बस हमें ज्यादा देर नहीं रखना है, बस 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। देखिए साग भी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम छौंक लगा देते हैं। मैंने एक तड़का पैन रखा है, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी कलछी देसी घी, क्योंकि साग में घी का ही कमाल होता है जो स्वाद लगता है। घी मेल्ट हो गया, इसमें डालेंगे हम 3 सूखी लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको छौंक को हम साग में ऐड कर देंगे। पहले चकले पे हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, फिर एक लोई बनाएंगे। इसको इस प्रकार इस पर रखेंगे। अब इसको इस प्रकार हाथ को रखकर ऐसे हम इसको बड़ा करेंगे। जितनी पतली आपको रोटी बनानी है, इसी तरीके से ये रोटी बड़ी होगी। इसको इस प्रकार हाथ को रखकर ऐसे हमें रोटी को उतारना है। अब इसका एक्स्ट्रा आटा हमें हल्के हाथ से झाड़ देना है। इस प्रकार हमें इसको तवे पर डालना है, कारण दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। रोटी आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं, या मोटी पतली। बहुत से को रोटी मोटी पसंद आती है मक्का की, बहुत जगह बहुत पतली पतली खाई जाती, वो आप अपनी इच्छा से तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार हम हाथ की सहायता से दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। अगर आपको हाथ से रोटी बनाने में कठिनाई हो रही है, तो आप 3 कप मक्के के आटे में 1 कप गेहूं का आटा या 1 कप बाजरे का आटा मिला सकते हैं। इससे रोटी आसानी से बन जाएगी और बेलने में भी कठिनाई नहीं होगी। आप उस रोटी को बेलन की सहायता से भी बेल सकते हैं। रोटी हमारी पच गई है, अब इसको हम पलट देते हैं। देखिए रोटी हमारी दोनों तरफ से पच गई है, अब इसको हम गैस पर सेक लेते हैं। फूल गई। देखिए इस प्रकार हमें चिमटे की सहायता से मीडियम फ्लेम पर इसको रोटी को करारा करना है। रोटी अच्छे से सिक गई है, इस पर आप घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। इस प्रकार आप इस पर घी अच्छे से चारों तरफ लगा दीजिए।
मैंने मार्केट में मिल जाता है आसानी से विनेगर लिया है। इसमें हम बाजार जैसी सिरके वाली प्याज और मूली तैयार करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे, खट्टी मीठी बना रहे हैं यहाँ हम, प्याज और मूली। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1/2 चम्मच नमक। इनको मिक्स कर देंगे इसमें। फिर इसमें डालेंगे हम, यहाँ मैंने छोटी छोटी प्याज के पीस करे हुए हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी प्याज मार्केट में मिलती हैं, वो भी खरीद सकते हैं, उन्हें साबुत डाल सकते हैं जैसी बाजार में मिलती हैं। लेकिन यहाँ मेरे पास बड़ी प्याज थी, उसके मैंने इस प्रकार छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको हम इस सिरके में डाल देंगे। थोड़ी सी यहाँ मैंने मूली काटी हुई है गोल गोल, इनको भी इसी में ऐड कर देंगे। इनकी मात्रा इतनी होनी चाहिए ये सिरके के अंदर डूब जाएं। अब इन्हें हमें 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अपने आप ही खाने में टेस्टी हो जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म साग मक्का की रोटी बनकर तैयार है। इसे सर्व करें सिरके की प्याज, गुड़ और मट्ठे के साथ। देख कर ही मुंह में पानी आ जाए। आप भी इसी तरह से साग और रोटी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।